तो ये सामने आ रहा है कि यार एक ही प्रॉब्लम हमें हो रही है हर मैच में, वी लेट अपोजिशंस स्पिनर्स बॉल अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड, कहीं पे भी ना फील्ड यूज़ कर रहे हैं ना उनको बड़े शॉट मारने जा रहे हैं, और मिड ऑन मिड ऑफ अगर ऊपर भी है तो इवन स्लो पिच पे जब विकेट टू विकेट बॉलिंग शुरू होती है तो हम एरियल ऊपर से शॉट नहीं मारते जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? लुक पीपल वांट टू नो दिस, यू गाइस यू नो कैन एक्सप्लेन अस, क्लियर टू मी एज वेल, कि हाउ कम उनकी जब बैटिंग आती है ऑपोजिशन की वो स्पिनर्स को निकल के भी मार रहे होते हैं, इनसाइड आउट भी जा रहे होते हैं, स्वीप भी मार रहे होते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। लाइक हर इंडिविजुअल के खिलाफ एक अपना एक प्लान तो होता है बट उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर नजर आए क्लियरली, जिसकी वजह से अपने प्रॉपर शॉट्स एग्जीक्यूट नहीं। अंडर प्रेशर तो मोइन हार को ही होता है ना वैसे बड़े मैचों में, दो ही थॉट है, विकेट गिरेगी विकेट गिरेगी, ये विकेट बचानी है। ये जरा देखें मोइन जो आप बात, ये जरा देखें जो वसीम बात कर रहे हैं, लुक एट द फुटवर्क दैट इंडियन बैट्समैन आर यूजिंग। कमांड होती है ना बैट्समैन की, देखें बैट्समैन की कमांड है, कमांड का मतलब ये कि वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में खेल रहा है। आप पहले से भी डरे हुए होंगे यार मैं शॉट मारूंगा तो मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं, क्रीज नहीं छोड़ूं मैं। अब ये जरा हमारे बैटर्स भी देख लें आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, हमने अभी देखा कि किस तरीके से इंडियन है, ये जरा आप देखें बिल्कुल क्रीज में, ये देखें बैक फुट पे क्रीज के अंदर खड़े खड़े खेल रहे हैं। आप फास्ट बॉलर पे भी विकेटें गिरी है, वो भी क्रीज से बाहर, स्टेप आउट ही नहीं किया स्पिनर्स को बिल्कुल। आप प्रेशर इसी तरह तो क्रिएट करते हैं कि आप कहीं भी बॉल को जरा सा भी टॉस करें या फ्लाइट देखें तो उसको निकल के पुश करें टुवर्ड्स द गैप, वो इंडिविजुअल एक तो प्लानिंग, और जैसा हम देखते हैं वो बिल्कुल भी कहीं भी मुझे नज़र नहीं आया इंटेंट पाकिस्तानी किसी भी बैट्समैन का, क्या किसी भी इंडिविजुअल। बुमराह को आप खेल रहे, उसने बड़ी अच्छी कप्तानी की, इनिशियली उसका गेंद स्विंग नहीं, उसने फौरन हटा दिया और फिर उसको उस वक्त लेके आया जहाँ पे गेंद थोड़ा सा रिवर्स हो गया था, रिवर्स के लिए भी उन्होंने प्रिपेयर किया बॉल को अक्रॉस दी सीम पकड़ के, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग किया यू नो कि बॉल बना फिर लेके क्लिप में लास्ट बॉल जो देखा, आई थिंक जो भी बैट्समैन था उसने जो गेंद रोका लग रहा है जैसे ट्रेन का ट्रेन की खिड़की नहीं बंद करते ऐसे करके, वैसे दैट शोज कि उनको गुगली नहीं समझ आ रही। इफ्तिखार हमारा सबसे एक्सपीरियंस और इंपॉर्टेंट प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, तो जब मिडिल ऑर्डर पे पांच या छह पे आप आओगे तो आपको स्पिनर ही मिलने हैं वनडे क्रिकेट में, वो आपको किसी ने आके गुलतारे नहीं छोड़ने कि आप निकल के मारी जाओ, आपने शॉटें बनानी है। लेकिन मैं वसीम एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं, एक तो जगह पे गुलतारे दिए गए हैं हमारे बैट्समैनों को, वो उस पे भी नहीं उतरे नीचे पिच पे। इफ यू गो बैक एंड यू सी दैट, ये मुझे बताएंगे आपको। थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, जो कुलदीप यादव था उसने 84 पॉइंट समथिंग एवरेज पे इस पेस पे वो बॉल कर रहा था इन हिज फर्स्ट 8 ओवर्स, लेकिन लास्ट 2 ओवर्स जब वो आया, जब उसने विकेट्स लिए हैं तब उसने वो 82 पे आ गई उसकी पेस, छोड़े उसने उसने छोड़े क्योंकि वो एक टाइम ऐसा था, बॉल भी थोड़ा पुराना हो चुका हुआ था। देखें स्पिनर को खेलने का एक ही तरीका है, जब तक स्पिनर डरेगा नहीं आपसे आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जो डिफरेंस हम लोगों ने दिखाया वो डिफरेंस ये है कि इंटेंट दूसरे जो बैटर्स हैं उनका बहुत अच्छा है, वो दे लुक टू स्कोर रन्स अगेंस्ट स्पिन। आस अगर हमें कोई बॉल थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ मिल जाएगा, थोड़ा आगे मिल जाएगा तो हम उस पर रन बनाएंगे, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। तो स्पिनर कोई भी क्वालिटी स्पिनर जो है वो आपको आराम से रन्स नहीं बनाने देता। तो मुझे ये लगता है स्किल हम लोगों में ज़रूर है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा दिलेर होने की देर है। दिलेर होंगे यही प्लेयर्स जो हमारे हैं, इन्होंने किया भी है और करेंगे भी। हमने देखा है जो इंडिया के साथ मैच हुआ था मेलबर्न में, जिसमें इफ्तिखार ने बहुत अच्छे छक्के मारे थे और बहुत बड़ा ग्राउंड था वो, तो ये इनमें स्किल है। सिर्फ ये है कि वो जो डर है अंदर, आउट ना मैं हो जाऊं या मैं क्रीज से बाहर निकलूंगा तो मैं शायद स्टंप ना हो जाऊं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। टीम का गोल सामने रखें फिर देखें, यही जो प्लेयर्स हैं ये निकल निकल के छक्के भी लग रहे होंगे और बड़े बड़े रन्स भी कर रहे होंगे।